आजकल लगभग सभी बैंक्स कार्डलेस कैश विड्रॉल की फैसिलिटी दे रहे हैं, जिसमें आप एटीएम मशीन से बिना कार्ड के कैश निकाल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कंप्लीट प्रोसेस एक वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप ICICI बैंक के एटीएम से बिना कार्ड के कैश कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एटीएम मशीन से बिना किसी कार्ड के पैसे विड्रॉ करने के लिए आप अपने एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। इसके बाद आपको यहां सर्विसेज पर क्लिक करना है। इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कार्डलेस कैश विड्रॉल, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें यहां पर आपको अमाउंट डाल देना है, कितना अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं बिना कार्ड के। तो आप एक दिन में 20,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 10,000 रुपीज। इसके बाद आप यहाँ से अकाउंट चूज कर लेंगे। अगर आपके पास एक से ज्यादा अकाउंट है तो आप यहाँ पर जिस अकाउंट से भी पैसे निकालना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक टेम्परेरी पिन डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 1, 2, 3, 4। ये पिन आपको एटीएम मशीन से कैश निकालते समय डालना होगा। इसके बाद नीचे आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी। आप 10,000 रुपए निकालना चाहते हैं और पिन है 1, 2, 3, 4, और ये रिक्वेस्ट आपकी अगले 6 घंटों के लिए वैलिड रहेगी। अगर आप अगले 6 घंटों में कैश एटीएम मशीन से नहीं निकालते हैं तो ये रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी और आपके अकाउंट से कोई भी बैलेंस कट नहीं होगा। तो आप जब ये रिक्वेस्ट प्लेस करें तो उसके बाद 6 घंटे के अंदर अंदर आपको एटीएम मशीन से पैसे निकाल लेने चाहिए, अगर आपको कैश निकालना है। इसके बाद आप यहां सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट प्लेस हो जाएगी, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। साथ ही आपको एक SMS मिल जाएगा जिसको आप ओपन करेंगे। इस SMS में आपको एक रेफरेंस कोड मिल जाएगा, जैसे कि हमारे केस में है 908000। अब आप ICICI बैंक के किसी भी ATM पर जाएंगे। ATM की स्क्रीन पर आपको कार्डलेस कैश विड्रॉल का एक ऑप्शन मिलेगा, आप बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालकर आप करेक्ट बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको रेफरेंस कोड डाल देना है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया है। SMS में रेफरेंस कोड दे दिया जाता है, तो रेफरेंस कोड आप यहां डालेंगे और करेक्ट बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको पिन डाल देना है जो आपने एप्लीकेशन में सेट किया था। जैसे कि हमने सेट किया था 1, 2, 3, 4, तो पिन डालेंगे और करेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अमाउंट डालना है, जितना भी आप विड्रॉ करना चाहते हैं, जो भी आपने एप्लीकेशन में सेट किया था वही अमाउंट आपको यहाँ पर डालना होगा। जैसे कि हमने 10,000 रुपीज सेट किए थे तो यहाँ पर हम 10,000 रुपीज डालेंगे और करेक्ट बटन को प्रेस करेंगे। आपके सामने एक फाइनल समरी आ जाएगी, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, आपका रेफरेंस कोड, आपका पिन कोड और अमाउंट आ जाएगा। सब कुछ अगर सही है तो आप यस बटन को प्रेस करेंगे और इसके बाद आपका कैश विड्रॉ हो जाएगा बिना किसी कार्ड के। सो इस तरीके से आप बिना किसी कार्ड के एटीएम मशीन से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इसकी लिमिट 20,000 रुपए पर डे होती है।